our keynote address, how the new education policy will change the Indian education system. This session has been sponsored by Amrita Vishwavidyapeetham. Can I please invite Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Union Minister of Education. पहले तो मैं आपको इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि इस नई शिक्षा नीति को लेकर के पूरे देश में एक उत्सव और उल्लास का माहौल है। देश की आज़ादी के बाद शिक्षा की जो नई नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लाए हैं, निश्चित रूप में इसका व्यापक इसका असर पड़ा है। लोगों में इसकी खुशी छाई है और न केवल इस देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों ने भी इस NEP को अपने देश में लागू करने का मन बनाया है, बातचीत की है, वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो यदि आप शुरू से ही देखें और उच्च शिक्षा तक देखें तो व्यापक सुधारों के साथ व्यापक परिवर्तन लाए हम। ये जो स्कूली शिक्षा 10+2 की थी, इसको हम हटा करके 5+3+3+4 लाए हैं, तो व्यापक परिवर्तन किए हैं। ये अपनी मातृभाषा में उसकी प्रारंभिक शिक्षा होगी और जो राज्य चाहते हैं कि वो व्यापक तरीके से उच्च शिक्षा तक भी अपने भाषा में शिक्षा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में ही ये कहा कि अपनी भाषा में, मातृभाषा में वो तकनीकी शिक्षा और यहाँ तक कि मेडिकल शिक्षा को भी प्राप्त कर सकेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देश के नौजवानों के लिए समय और छात्रों छात्राओं के लिए जिस तरीके से पूरा मैदान खुला है, जिस तरीके से ये क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहाँ हम मातृभाषा में शिक्षा देंगे, आपको तो मालूम है कि हमारे देश की जो हमारे संविधान में हमको मिली हैं 22 भारतीय भाषाएं जो हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, असमिया है, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, सारी 22 भारतीय भाषाएं हैं, बहुत सशक्त भाषाएं हैं। इन 22 भारतीय भाषाओं में उस क्षेत्र का जो भी बच्चा जो जिसमें उसकी अभिव्यक्ति जो उसकी मातृभाषा है उसमें वो अपना अध्ययन कर सकेगा और उसके बाद जिस तरीके से 6वीं से ही हम वोकेशनल स्ट्रीम के साथ जो उसके व्यावसायिक शिक्षा और वो भी इंटर्नशिप के साथ लाए हैं कि नहीं, उसको प्रैक्टिकल केवल पुस्तक की ज्ञान नहीं, वो उसको प्रैक्टिकल के हिसाब से कैसे करके वो 2 दिन बस्ता छोड़ करके सप्ताह में वहाँ उन चीज़ों को देखेगा, करेगा, अपना मन मस्तिष्क लगाएगा। और स्कूली शिक्षा में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाए हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये दुनिया का शायद पहला देश होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूली शिक्षा से शुरू कर रहा है। अब यदि आप इस बच्चे का देखेंगे तो जहां हमने वोकेशनल शैक्षणिक और शिक्षणेतर जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के उसके खेलकूद से लेकर उसका समग्र विकास है और इधर वोकेशनल स्ट्रीम के साथ जो व्यावसायिक शिक्षा, इन तीनों को जोड़ा है और जो छात्र है उसका 360 डिग्री बिल्कुल होलिस्टिक मूल्यांकन होगा, समग्र मूल्यांकन होगा जिसमें वो स्वयं भी अपना मूल्यांकन करेगा, उसके अभिभावक उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके अध्यापक उसका मूल्यांकन करेगा और यहाँ तक उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा, तो जाकर के उसको लगेगा कि वो किधर बढ़ रहा है। और अब उसको रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, रिपोर्ट कार्ड की जगह हम प्रोग्रेस कार्ड देंगे, क्या प्रगति हो रही है। हमारे लिए रिपोर्ट कार्ड के लिए नहीं है वो बच्चा, हमारे लिए प्रगति के लिए है वो बच्चा। इसलिए आप देखेंगे तो स्कूली शिक्षा से लेकर और कितना व्यापक उच्च शिक्षा में देखेंगे आप, बहु विषय, कोई भी विषय ले सकते हो आप, कुछ भी विषय ले सकते हो आप, साइंस के साथ साहित्य ले सकते हो, आप इंजीनियरिंग के साथ संगीत ले सकते हो, जिस में आपकी रुचि हो, जिसमें आपको लगता है कि श्रेष्ठता आप हासिल कर सकते हैं
उन विषयों को आप ले सकते हैं। और इतना ही नहीं तो हम लोग कब आप प्रवेश ले सकते हैं और कब निकास कर सकते हैं, इसमें भी आपको छूट है। यदि आपने प्रवेश ले लिया और प्रवेश लेने के बाद यदि 4 वर्ष का वो डिग्री प्रोग्राम है लेकिन 1 साल में ही आप छोड़ के जाना चाहते हैं या व्यवस्थावश 2 ही साल में छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपको निराशा नहीं मिलेगी। आप पहले क्या होता था, वो 2 साल उसके बर्बाद हो जाते थे, अब यदि 1 साल में वो छोड़ के जा रहा है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ना चाहता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और यदि 3 साल में तो उसको डिग्री, सब डिग्री मिलेगी। और यदि वो मानो 2 साल में उसने छोड़ा है परिस्थितिवश, लेकिन अब उसको लग रहा है कि नहीं मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं अपने भविष्य को संवार सकता हूँ, तो फिर वो जहाँ छोड़ करके गया था वो जब चाहे आए और वहीं से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाए। हम लोगों ने इसके लिए बाकायदा क्रेडिट बैंक बनाए हैं, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की उसके वो उसमें रहेगा, उसका क्रेडिट और जहाँ उसने छोड़ा वहाँ से वो शुरू कर सकता है। पूरा मैदान खाली है, विषय कुछ भी ले सकते हो, जब चाहे आओ, और यदि छोड़ करके प्रस्तुत वर्ष जा रहे हो तो जब चाहे आ सकते हो। और शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में जहाँ नेशनल रिसर्च सेंटर फाउंडेशन की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें व्यापक तरीके शोध और अनुसंधान की संस्कृति को पैदा किया जाएगा, सरसाया जाएगा और एक माहौल देश भर में बनेगा, वही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन करके अंतिम छोर तक के व्यक्ति को कैसे तकनीकी का लाभ मिलेगा और तकनीकी के क्षेत्र में मेरा छात्र छात्राएं शिखर तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये है अभी भी है शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में। स्पार्क में हम पूरी दुनिया के लगभग 127 विश्वविद्यालयों के शोध कर रहे हैं और अब इसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लेकर के इस शिक्षा को जा रहे हैं, क्योंकि स्टडी इन इंडिया, पूरी दुनिया के लोग आओ हमारे पास, यहाँ सीखने के लिए आओ। मुझे खुशी है इस बात की और आपसे मैं बांटना चाहता हूँ इस बात को कि 50,000 से भी अधिक दुनिया के छात्र छात्राओं ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किया, जबकि इस कोविड के समय में तेज़ी से आना चाहता है व्यक्ति अब हिंदुस्तान की धरती पर। और अभी हमने स्टे इन इंडिया भी किया है, यहाँ से 8 लाख छात्र लगभग विदेशों में पढ़ रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का जाता है। हमारा पैसा, हमारी प्रतिभा हमारे काम नहीं आ पाती है, अब उसको स्टे करेंगे, उनको यहाँ सारी अवस्थापना दे रहे हैं, उनको भरोसा होना चाहिए। हमारे आज भी हमारे IITs, ISR, NITs और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले, IIM से निकलने वाले छात्र पूरी दुनिया में जा रहे हैं, तो हमारी संस्थाओं का सामर्थ्य है। और इसलिए हम लोगों ने दुनिया के भी top 100 यूनिवर्सिटियों को, उनमें से कुछ जो 100 के अंदर कुछ विश्वविद्यालय होंगे, उनको हमने हिंदुस्तान की धरती पर आमंत्रित किया है कि वो आए और वो यहाँ पर अपना पाठ्यक्रम चलाएं, और हम अपने विश्वविद्यालयों को दुनिया में भेजेंगे। ये जो आदान प्रदान होगा, अब जो स्टे इन इंडिया है, अब बाहर यहाँ के छात्र को नहीं जाना पड़ेगा, तो ये आमूलचूल परिवर्तन है। और ये परिवर्तन इस देश की आधारशिला, ये जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत है उसकी निश्चित रूप में ये आधारशिला है। नई नीति को सभी राज्यों में समान रूप से लागू करने के लिए आपको तो मालूम है, वैसे तो शिक्षा समवर्ती विषय है, राज्यों का विषय है, राज्य और केंद्र का मिलकर के विषय। इसलिए पीछे से आपने देखा होगा कि मैं देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से संवाद करता हूँ, मैं देश के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों से संवाद करता हूँ, हम दोनों केंद्र और राज्य मिलकर के इस नई शिक्षा नीति को अंतिम परिणति तक पहुँचाएंगे, अंतिम छोर के बच्चे तक पहुँचाएंगे। राज्यों ने काम करना शुरू कर दिया है और राज्यों को लगातार जो NCF का गठन होगा केंद्र में, NCERT के तहत जो पाठ्यक्रम होगा, कुछ पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो पूरे देश में एक जैसा होगा और कुछ पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो राज्यों को अपने NCERT के तहत कराना होता है, जो उनके राज्यों की, चाहे उसके भौगोलिक है, सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है, जो उसकी आवश्यकता के अनुसार वहाँ के पाठ्यक्रम की ज़रूरत है वो तैयार करेगा। तो स्वाभाविक है
कि एनसीईआरटी और वहाँ राज्यों की एससीईआरटी, ये दोनों बेहतर तरीके से चलेंगे और इसको लागू करने के लिए हर हालत में ये काम करेंगे। अभी पीछे के दिनों में आपने देखा होगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने राज्यपालों का सम्मेलन किया था। मुझे खुशी है कि महामहिम राष्ट्रपति जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों का मार्गदर्शन मिला, जिसमें पूरे देश के श्री राज्यपालगण और उपराज्यपालगण, देश के सभी शिक्षा मंत्री और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़े थे जिनके पास शिक्षा विभाग रहा होगा। तो मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार, और इसलिए पूरा सकारात्मक वातावरण है। सारे राज्य एक कदम आगे आकर के इस नई शिक्षा नीति को लागू करना चाहते हैं, क्योंकि राज्यों का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, बच्चे उठेंगे, बढ़ेंगे और शिखर को प्राप्त करेंगे। कौन राज्य ऐसा होगा जो नहीं चाहता है? तो निश्चित रूप में ये वातावरण अच्छा बना है और हम राज्यों के साथ मिलकर के इस नई शिक्षा नीति को उसके पढ़ने तक पहुँचाएंगे। मुझे लगता है मानव संसाधन को जुटाने और अवस्थापना से संबंधित तो ये राज्यों का भी विषय है और हमारा भी विषय है। हमने राज्यों के साथ मिलकर के कहा है कि जो केंद्र कर सकता है वो हर हालत में केंद्र करेगा, और जो चुनौतियां काफ़ी हमने पूरी कर दी। वैसे तो आपको मालूम है कि इस देश में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, इस देश में 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15,00,000 से अधिक स्कूल हैं, 1,09,00,000 से अधिक अध्यापक हैं, और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं होती उससे भी ज़्यादा इस देश का छात्र छात्रा 33 करोड़। तो स्वाभाविक ही है कि इतने बड़े फलक पर सबको साथ लेकर के चलना, इस मिशन पूर्वक करना, तो निश्चित रूप में जो बुनियादी ढांचा है और मानव संसाधन जुटाने की चुनौती है, जहाँ चुनौती है उसको हम पूरा करेंगे और उनको अवसरों में तब्दील करेंगे। हमने बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को समग्र शिक्षा के तहत तो हम मदद करते हैं, केंद्र मदद करता है, और अंतिम छोर तक का बच्चा कैसे पढ़ सकता है उसकी भी मदद करता है। आपने देखा होगा कि जहाँ अवस्थापनाओं के विकास के लिए हम पैसा देते हैं, वो छात्र और छात्रा के जो उसका ड्रेस से लेकर, शुल्क से लेकर, यातायात से लेकर, सुरक्षा से लेकर, सभी तो करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम दीक्षा पोर्टल है, अभी स्वयं है, स्वयं प्रवाह है, ये जो अवस्थापनाएँ हैं जिसको हम विकसित कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, और हम कर रहे हैं इसको, वन क्लास और वन चैनल कर रहे हैं स्वयं प्रभा पर। तो भारत सरकार अवस्थापना को भी विकसित कर रही है और राज्यों के साथ केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस अभियान, इसको एक अभियान के रूप में लेकर के, और इस जो देश को सजाने संवारने और देश को शिखर पर पहुंचाने की जो ये नीति है इसको क्रियान्वित करेंगे। देखिए, राज्यों से अपेक्षाएं वो ये उनसे पूछ करके, हमने राज्यों से पूछ करके किया है। पूरी दुनिया की शायद ये पहली नीति है जिसमें इतना व्यापक परामर्श हुआ है। 33 करोड़ छात्र छात्र उनके अभिभावकों से, 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापक शिक्षकों और शिक्षाविदों से, 1,000 से भी अधिक कुलपतियों से, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके स्टाफ से, और मुझे लगता है गांव से लेकर के और संसद तक, ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक, कौन सा क्षेत्र है जिसपे पूछा नहीं गया, विचार विमर्श नहीं हुआ, मार्गदर्शन नहीं लिया गया?
2.5 लाख ग्राम समितियों तक पहुँचे हैं, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा। इसलिए जो उनके सुझाव आए हैं, अब क्रियान्वयन के लिए भी हमने उनके सुझाव मांगे हैं कि बाप बताएं कि आपके पास कोई खूब अच्छा आपका अनुभव होगा, आपका जो मार्गदर्शन है, अब हम उसको कैसे करके आपके सुझाव आए, हमने शिक्षा नीति बनाई, पूरी दुनिया ने उसको व्यापक उसका स्वागत किया, देश में उत्सव जैसा वातावरण बना, अब हम उसको राज्यों और केंद्र दोनों मिलकर के उसको नीचे तक को लेकर के जाएंगे। राज्यों से यही अपेक्षा है, और जो मैं लगातार शिक्षा मंत्रियों से बात भी कर रहा हूँ, टास्क फोर्स बनाएंगे, जिस तरीके से NCF का गठन केंद्र में होगा तो वो अपने राज्य में SCERT का गठन करके और पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करेंगे, चरणबद्ध तरीके से नीचे तक हम कैसे जा सकते हैं ये कर रहे हैं, और राज्य उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मैं सभी राज्यों के संपर्क में हूँ, सभी राज्यों के शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक हो, उस राज्य के शिक्षा मंत्री हों, यहाँ तक राज्यपाल गणों से भी हम लोग पर्याप्त लगातार विमर्श कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हर राज्य ये चाहता है कि कैसे करके, इस बात की होड़ है कि हम सबसे पहले इस नीति को लागू करेंगे। तो भारत सरकार से गाइडलाइन भी जा रही है और उसके अनुसार राज्य काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत की उनकी परिकल्पना है, और जो भारत स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, सशक्त होगा, श्रेष्ठ होगा, एक होगा और आत्मनिर्भर होगा, जिसको जिसका रास्ता मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप से होकर के गुजरता है, निश्चित रूप में जो ये शिक्षा नीति है, ये प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और शिखर तक की शिक्षा तक, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाने तक, शोध अनुसंधान और तकनीकी के क्षेत्र में नवाचार को लेकर के आगे बढ़ने तक, और भारत केंद्रित शिक्षा, मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है और इसीलिए लोगों में खुशी है। मुझे भरोसा है कि 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की ये शिक्षा नीति आधारशिला होगी। मेरी शुभकामना। जहां प्रेरणा लेती है उड़ान और होता है आपके सपनों की वास्तविकता का निर्माण, जहां आपके सपनों को मिलता है आकार, where you get trained with industry skills, soft skills and social skills, संस्कृति यूनिवर्सिटी, आप निर्माता हैं अपने भविष्य के।